हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, सीटेट की कंटिन्यू आपकी क्लास चल रही है। क्लास सिक्स की जो आपकी एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, वो हमने पूरा कर लिया है। आज हम उसकी महामैराथन आपके लिए लेकर के आए हैं। इस महामैराथन को जो भी भाई बंधु देख लेगा, उसका पूरा जो है टॉपिक हिस्ट्री का, क्लास सिक्स का क्लियर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिएगा। ये वीडियो प्रत्येक भाई बहन को मिलनी चाहिए। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, अगर आप लोग इस मैराथन को देख रहे हैं तो अपने साथ पेन और पेपर जरूर लेकर के बैठे, अपनी कॉपी लेकर के बैठे। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी मैं उनको बताता चलूँगा, अंडरलाइन करता चलूँगा। आप लोगों को काम है उसको अपनी नोट्स में रखना, क्योंकि नोट्स आपकी धरोहर है। जितनी ही सुंदर आपकी नोट्स होगी, उतनी ही बेहतरीन आपकी तैयारी होगी। तो प्यारे साथियों, खाली मत बैठिएगा, पेन और पेपर अपने साथ लेकर के बैठिएगा और जो है इस पूरी मैराथन को बहुत अच्छे से देखिएगा, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है प्यारे साथियों, तो आइए शुरू करते हैं। अपना पहला चैप्टर है जो आरंभिक कथन, क्या, कब और कहां और कैसे, इस चैप्टर को देखते हैं। इसके बाद जितने चैप्टर आएंगे क्रम से सबको देखते हुए चलेंगे। आज इसको पूरी तरीके से इस मैराथन में, इस क्लास सिक्स के एनसीईआरटी को पूरा कवर करेंगे। तो चलिए विलंब मत करिए, आइए हम लोग चलते हैं और देखते हैं अपने पहले चैप्टर को। क्या, कब, कहां और कैसे, इसको हम लोग पढ़ेंगे। जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होगा इसमें हाईलाइट करते चलेंगे, आप लोग उनका शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। चलिए, कह रहे हैं रशीदा एक लड़की है। रशीदा अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि कोई कैसे जान सकता है इतनों वर्षों जो पहले है, इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं यह जानने के लिए कल क्या हुआ, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो, अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था या कैसे जाना जा सकता है, इसी सवाल का उत्तर हम लोग ढूंढते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, आखेटकों का एक नाम होता है शिकारियों, याद रखिएगा, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों, फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक दिखा करते थे, फिर कौन कौन से गीत वे गाते थे, इन सबको हम जान सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे, मानचित्र एक में पृष्ठ 2 पर नर्मदा नदी आपको ढूंढना है। यहाँ कुछ जानकारी देगी, बहुत अच्छे से समझिएगा। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। कितने? कई लाख वर्ष पहले। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों या जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट या शिकार भी करते थे। याद रखिएगा, क्या करते थे? आखेट या शिकार। देखिए, मैं आपको करंट एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ 2023 और 24 की, ये मत परेशान होइएगा कि पुरानी, एकदम करेंट एनसीईआरटी आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ फसलों को उपजाना आरंभ किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे लिखिएगा, 8000 वर्ष पूर्व दो फसलें थी, याद रखिएगा, कौन सी? गेहूं और जौ। कौन थी? गेहूं और जौ, जिनको उपजाना प्रारंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। कौन कौन से जानवर दिया है? तो देखिएगा, भेड़ दिया है, बकरी दिया है, गाय दिया है और बैल दिया है, इतने ही शब्द दिए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। कह रहा है कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी का पता लगाओ। कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में हैं।
उत्तर का मतलब ऊपर का हिस्सा है भैया। विंध्य के उत्तर के हिस्से में सबसे पहले चावल उत्पन्न किया गया, आइए देखते हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ विंध्य कहाँ है। चलिए ध्यान से देखते हैं, ये है आपकी विंध्य पहाड़ियाँ और इसके उत्तर का क्षेत्र ये है, तो यही कहीं आपका सबसे पहले चावल उपजाया गया होगा। चलिए ये है आपकी गारो की पहाड़ियाँ, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये है आपकी सिंधु नदी, ये है किरथर, ये है सुलेमान, ये है काबुल नदी, इन सभी क्षेत्रों को दिखाया गया। सिंधु की सहायक नदी दिखाया गया, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ठीक है, सतलुज है, ये थार का रेगिस्तान है आपका बड़ा सा हिस्सा, ये सतपुड़ा की श्रेणियाँ हैं, ठीक है, तापी नदी है, गोदावरी है, दक्कन का क्षेत्र है, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, मैं पूरे मैप में आपको सिखा देता हूँ। चलिए ये जो हिस्सा है आपका, याद रखिएगा, इसे पूर्वी घाट कहते हैं, ये हिस्सा आपका पश्चिमी घाट कहता है। पश्चिमी घाट अरब सागर के पास है, पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी के पास है, ये आपका लक्षद्वीप है और ये आपका अंडमान और निकोबार है। तो मैप में आपको बहुत अच्छी तरीके से महारत हासिल करना, नीचे आपका हिंद महासागर है, ठीक है। चलिए मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो, अभी मैंने आपको दिखाया था ऊपर। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। सिंपल सी एक लाइन में लिखा है, पूछा जाता है सहायक नदी क्या है जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, ये भी पूछता है। गंगा व इनकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, कब हुआ, 2500 वर्ष पूर्व। चलिए मानचित्र दक्षिण एशिया में आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों में बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। चलिए गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ, ऊपर इमेज में है, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा वीडियो को पीछे करके। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। तो बिहार का पुराना नाम क्या था, मगध था, याद रखिएगा। बहुत शक्तिशाली शासक यहाँ हुए थे, उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे ही राज्यों की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों, समुद्रों के कारण जोखिम भरी यात्राएं होती थी, फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है कूट में। वे कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश यात्रा भी करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। चलिए एक बार फिर से मानचित्र देखो, पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, कौन कौन, पहाड़ियां, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके, गहरे समुद्र को पार कर सके। महाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों तक लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के जो विचार हैं उनको अपनाते रहे। देश के नाम पर कुछ चर्चा है, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ, लगभग 2500 वर्ष पहले पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदूज अथवा इंदूज
इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। चलिए, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपियों का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भूज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि नीचे आपको दिखाई गई है। अतीत के बारे में कैसे जाने, तो हम कई तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है, अतीत में लिखी गई पुस्तक को ढूंढिए और पढ़िए। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपियाँ, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपियाँ कही जाती थी। क्यों कही जाती थी? हाथ से उनको लिखा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन के मेनु, जिसका अर्थ हाथ से लिखना है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स में जरूर अपने ऐड कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है ये, आपको दिखाया गया है कैसे लिखा जाता था। चलिए, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया था, कुछ नष्ट कर दी गई, फिर भी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं। इनमें कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। आम लोग करते थे, कौन? आम लोग, जनसाधारण के लोग। चलिए, हम अभिलेखों के अध्ययन जो है उसको करते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? पत्थर पर या धातु जैसी कठोर सतह पर। लिख लीजिएगा, कभी कभी शासक अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके, इसीलिए इसको लिखवाया जाता था। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं, रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों को भी कार्यों का वर्णन है। ठीक है, चलिए, राजा लोग अपनी जो लड़ाइयाँ लड़ते थे, विजय होती थी, उसका लेखा जोखा करवाते थे। आपको यहाँ लिखा गया है लगभग 2500 वर्ष पुराना यह अभिलेख, ये वाला वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। शासक के विषय में अध्याय 7 में पढ़ना है। जब कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपि अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। लिपि, ये लाइन याद करिएगा, किससे बनी होती है? अक्षरों व संकेतों से। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा आर्मेइक नामक दो विभिन्न लिपियों और भाषाओं में है। याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती। वस्तुओं का अध्ययन करने वाले जो ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते थे उन्हें पुरातत्वविद कहलाते थे। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। पुरातत्वविद पत्थर ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों, ठीक है। कुछ पात्र आपको दिखाए गए हैं, इन पात्रों को इसको पढ़ लीजिएगा। 4700 वर्ष पूर्व होता था, जिसमें एक चांदी का पुराना सिक्का है, ठीक है। और आपको ये दिखाया गया सुराही जैसे आकृति का एक इमेज, ठीक है। चलिए, उनका वो लोग अध्ययन करते थे। वे औजारों, हाथियों, बर्तन, आभूषणों, सिक्कों से प्राप्त छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएँ पत्थर की पकी ईंट, कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले थे। चलिए, पुरातत्वविद जानवर, चिड़िया, मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते थे। इसे यह जानने में मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के लिए अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाता था। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते थे तो जले हुए रूप में बचे रहते थे। चलिए, पांडुलिपियाँ अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। इनसे जो जानकारी मिलती थी, इतिहासकार उनके लिए एक शब्द लगाने लगे, स्रोत। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, और स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। लाइन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा,
क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह जो हम या जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत की जानकारी को जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, अतीत एक या अनेक, तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया, जहां अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है, अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजा तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से भिन्न था। जैसा हम आज भी देखते हैं, हम सभी देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपने भोजन मछलियां पकड़कर शिकार करके फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में विद्यमान थे। चलिए, इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपने विजयों का लेखा जोखा करते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं करते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। चलिए, तिथियों का मतलब क्या है? अगर तुमने तिथि के बारे में पूछा तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 इस तरह कोई वर्ष बताना है। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में लिखी जाती है। इस पुस्तक में 2000 को अपना आरंभिक केंद्र बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। आपको इतिहास की जो तिथियाँ हैं इसके बारे में ये दिया गया है। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ई पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुमने तिथियों के पहले AD लिखा मिलता है, जिसे एनोडोमिनी कहते हैं। दो लैटिन शब्दों से बना है, इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है, जहाँ CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ बिफोर प्रेजेंट वर्तमान से पहले भी होता है। आखिर तक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक, ये तुषार की रेल यात्रा है, उसकी एक जो रेल यात्रा है ये, तो इसके आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर पर। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, यहाँ से हमारे टॉपिक की शुरुआत होती है। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी उसको मैं अंडरलाइन करता हुआ चलूँगा, आप लोग उसको नोट्स जरूर बना लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के पीछे उनके कई कारण होते थे। आइए उन कारणों को जानते हैं, क्या कारण थे। पहला कारण था, अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे तो आसपास के पौधे, फूल, जानवर इन सबको खाकर समाप्त कर देते थे, और इसीलिए भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा कारण क्या था ये देखते हैं। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते रहे होंगे। एक चीज़ आपको और बता दें, ये करंट एडिशन है प्यारे साथियों, 2023 और 24 के NCERT हम आपको करवा रहे हैं, ये भी याद रखिएगा, पुरानी NCERT नहीं है। तीसरा कारण यह है कि पेड़ पौधे, फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार इधर उधर घूमते रहे होंगे। और चौथा कारण यह है, पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं है। पानी झील, झरनों, नदियों में ही मिलता है,
यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी जो है वो सूखता नहीं है, कुछ झील और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिलता है। इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे के मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिली, आइए देखते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ियों और हड्डियों के बने औजार बनाए। इनमें से पत्थरों के भी औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां मांस काटने, पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए करते थे। कुछ के साथ हड्डियों तथा लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ठीक है, ये आपको दिखाया गया है कि पत्थर के औजार का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। इससे वो जड़ को खोदते थे और दाएं इस औजार से वो जो है जानवरों या वस्त्रों को सिलते थे या फाड़ने का काम करते थे। चलिए, रहने के लिए निर्धारित करना। मानचित्र दो को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिले, इन जगहों पर वो रहते थे। इसके अलावा भी और कुछ स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थानों को चिन्हित किया गया है जो झीलों और नदियों के किनारे पाए गए हैं। आइए देखते हैं लाल त्रिकोण कहाँ कहाँ है। चलिए देखिए भैया, लाल त्रिकोण ये आपका भीमबेटका है, किस नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे है। और हुसंगी है, कुरनूल की गुफाएं हैं, ये कहाँ है, कृष्णा नदी के किनारे पर है। ठीक है, तो ये आपको कुछ स्थान दिखाए गए हैं। तो जो त्रिकोण है पूरा पाषाणिक पुरास्थल है, जो ब्लू कलर में है वो नवपाषाणिक है, और जो ग्रीन कलर में है महापाषाणिक, और जो बैगनी कलर में है आरंभिक गांव है, और जो स्टार से हैं उन्हें आधुनिक नगर की संज्ञा दी गई, जैसे कोलकाता, मुंबई। ठीक है, स्टार है ब्लू वाला, ये मेहरगढ़ है, चिरांद है, कोल्डिहवा है, ये आधुनिक नगर हैं जो आपके नवपाषाणिक में हैं, दौसलो हॉर्डिंग, पयमपल्ली, हल्लूर। ठीक है, तो ये जो है आपका है। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगले टॉपिक पर। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। चलिए, भीमबेटका कहाँ है, आधुनिक मध्य प्रदेश में। तो ये वाली लाइन याद कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया है भीमबेटका कहाँ है, आधुनिक मध्य प्रदेश में। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहा करते क्योंकि इन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। तो भीमबेटका कहाँ है, नर्मदा। नर्मदा कहाँ है, नर्मदा मध्य प्रदेश में है। चलिए, शैल चित्रकला, ये चित्र आप देख रहे हैं, एक मानव पकड़ करके इस जानवर का शिकार कर रहा है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से चित्र मिले हैं। जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है, याद रखिएगा। चलिए, ये आपको दिखाया गया है पहाड़ की कंदराएं हैं जहां मानव रहा करते थे अपने आप को। उस समय ये लोग ऐसे ही ढाल लिया करते थे, यहीं पर रह लिया करते थे। चलिए, पुरास्थल के बारे में जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स में जरूर शामिल कर लीजिएगा, क्वेश्चन कई बार बना है। पुरास्थल क्या है, उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। किसके अवशेष मिलते हैं भैया, औजार के, बर्तन के, इमारत के। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल पर भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में डिटेल से जानकारी मिलेगी। चलिए, आगे की खोज पर चलते हैं। मानचित्र में आपको मैंने कुरनूल दिखाया था, तो कुरनूल की गुफा देखना है। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं, राख। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता होगा, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूजने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए भी आग का प्रयोग किया जाता रहा होगा। चलिए, नाम और तिथियाँ। जिस काल के बारे में हम पढ़ते हैं, पुरातत्वविद ने उनके बड़े बड़े नाम रखे। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल, दो शब्दों से पूरा माने प्राचीन, पाषाण माने पत्थर। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख पहले से 12,000 साल पहले तक के दौरान माना जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जरूर बनता है, सबका टाइम पीरियड आपको नोट करना है मेरे प्यारे साथियों, तो टाइम पीरियड आप लोग नोट करते रहिएगा।
इस काल को तीन भागों में विभाजित किया गया, आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण काल को ही तीन कालों में विभाजित किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछता है किसमें किसमें, आरंभिक, मध्य और उत्तर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ से बहुत भर भर के क्वेश्चन बने हैं। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल में घटित हुई। अब की बार के सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव इतिहास की 99% कहानी किस जो है काल में घटित हुई थी, वो पूरा पाषाण काल है, जिसका समय 20 लाख से 12 हजार पहले तक है। जिस काल में हमें पर्यावरण में बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार पत्थर के बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे, लगे हंसिया आदि जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है, इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का मतलब क्या होता है, हमने कुछ स्थानों के नाम अगले अध्याय में दिए हैं, जो आपको इस तरह के अनेक नाम मिलेंगे। तो अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं कि उस काल में उनके क्या नाम रहे होंगे। चलिए, बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़ा बदलाव आया। गर्मी बढ़ने लगी, परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। हिरण, बालासिंगा, भेड़, बकरी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी, जो घास खाकर जिंदा रहने लगे। चलिए, जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे इनके पीछे आए। इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय इनकी जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली को भी महत्वपूर्ण भोजन के रूप में देखा गया, अर्थात वो भी एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। खेती और पशुपालन की शुरुआत देखते हैं। इसी दौरान महाद्वीप के विभिन्न भागों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिला, पुरुष और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के रूप में बटोरना शुरू कर दिया। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होता था। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया और इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। तो मानव कृषक कैसे बना, उसकी ये लाइन आपको मिल रही है। चलिए, इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित किया, फिर उन्हें पालतू बनाया। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाएगा, कुत्ते का पूर्वज था, याद रखिएगा, कुत्ते का पूर्वज था पूछा जाता है। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवर को अपने नज़दीक आने के लिए उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर जो झुंड में रहते थे ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और धीरे धीरे वे इसी तरह क्या बन गए, पशुपालक बन गए, अर्थात पशुओं की सुरक्षा करते करते वे पशुपालक भी बन गए। चलिए, घरेलूकरण की प्रक्रिया। मानव घरेलूकरण में कैसे आया, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधे या जानवरों को लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधे और जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनमें बड़े दाने वाले अनाज पैदा हों, साथ ही जिनकी मजबूत डंठल अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसीलिए हम धीरे धीरे देखें कि पाले गए जानवर कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पेड़ पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे तो थे। ये पालतू जानवर का दांत है और ये जंगली जानवर का दांत है, ये छोटा है और ये बड़ा है। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में लगभग धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहली फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। ये लाइन महत्वपूर्ण है, सबसे पहली फसल गेहूं और जौ है, और सबसे पहले पालतू बनाए गए में कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी आते हैं। तो कुत्ते के बाद कौन सा जानवर आता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो भर भर के यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखिएगा। गेहूं और जौ आपकी फसल है, कुत्ते के बाद, याद रखिएगा, कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी पालतू बनाए गए थे, ये भी याद रखिएगा। चलिए, एक नवीन जीवन शैली। किसी पौधे के बीज को बो करके देखो क्या मिलता है। विकसित होने में कुछ वक्त लगता है, कुछ दिन, महीने, साल लग जाता है,
इसलिए जब पौधे उगाने लगे तो इनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवर चिड़िया से सुरक्षा जैसे बहुत काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों ने इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोग मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी, फिर जमीन में गड्ढा खोदा, इस प्रकार से उसको सुरक्षित रखे। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, जानवर बच्चे देते हैं उनकी संख्या बढ़ती है, अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ ही उनमें दूध भी प्राप्त होता है, भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। सिंपल सा याद रखिएगा, ये लाइन उठा के एनसीईआरटी हूबहू दे सकती है और आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में थोड़ा सा पता करें। मानचित्र दो में आपको देखना है, तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं, मैंने दिखाया था। इनमें प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषक और पशुपालकों के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर और पूर्वी क्षेत्र तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों पशुपालकों की बस्तियाँ थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं के हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें सबसे बड़े रोचक जले हुए अनाज के दाने अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस महाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रहेंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुरजुहूम कहाँ है, वर्तमान कश्मीर में है। ये क्वेश्चन बना सकता है, बुरजुहूम कहाँ है। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। जिन्हें गर्तावास कहते हैं, तो गर्तावास का मतलब गड्ढे के नीचे जमीन। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इसमें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। ये पूरी की पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बना है कई बार। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना बनाते रहे होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसीलिए उन्हें नवपाषाण युग का माना जाता है। वे औजार भी हैं जिनकी धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। इस तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ये आपको जो दिखाया गया है, ये औजार नवपाषाण युग के हैं। ये किसके हैं? नवपाषाण युग के। ये आपको जो औजार हैं वो दिखाए गए हैं। चलिए पात्र की बात करते हैं। नवपाषाण युग के पुरास्थलों में कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण का मतलब क्या होता है? सजावट। क्या होता है? सजावट किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए करने लगे। चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इसके साथ लोग कपड़े भी बुनने लगे। इसके लिए कपास जैसे पौधे भी उगाए जाने लगे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक समान या एक साथ आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोग हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत लोग मौसम के मुताबिक अदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। चलिए सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। तो बोलन दर्रा कैसा है, याद रखिएगा, हरा भरा समतल स्थान है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है और बन सकता है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उपजाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण, जंगली सुअर, भेड़ और बकरी की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले। ये भी लाइन इम्पॉर्टेंट है। कैसे? चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में चार या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम में आते रहे होंगे। चलिए ये आपको दिखाया गया है, ये मेहरगढ़ का जो घर है उसका एक चित्र आपको यहाँ दिखाया गया है।
देख लीजिए, ये मेहरगढ़ का घर है, यहाँ चार कमरे हैं। मृत क्वे सामान्यतः एक मृतक के सखे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी देखने को पाए जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ बकरी को भी दफना गया, संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा कि वो परलोक जाएगा तो वहाँ खाएगा। तो ये था प्यारे साथियों आपका महत्वपूर्ण चैप्टर आखेटक एवं खाद्य संग्राहक, ये यहीं पर कंप्लीट होता है। हम लोगों ने इसके पहले क्या किया था भैया, हम लोगों ने इसके पहला जो दूसरा चैप्टर था खाद्य जो है संग्राहक से लेकर के भोजन उत्पादन तक, उस चैप्टर को हमने कर लिया था। जो आरंभिक नगर है इसके बारे में जानेंगे, यहाँ कौन कौन सी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हमको जानना है, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैं अंडरलाइन करता चलूँगा, आप लोग उसको नोट करते चलिएगा। चलिए बात करते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा की कहानी क्या है आइए देखते हैं। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरस्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। अब ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, ये कहाँ है आधुनिक, कहाँ है ये, तो ये आधुनिक पाकिस्तान में है, याद रखिएगा। सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जो अच्छी मतलब प्रकार की यहाँ आपको ईंटें मिलेंगी। ये सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें तो पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में इमारतें या और जो चीज़ें मिले उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। ये शहरों का जो निर्माण है लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ था। तो ये जो 4700 वर्ष पहले है ये इम्पॉर्टेंट है, कब हुआ था, 4700 वर्ष पहले हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं। जैसे क्या क्या मिला है, मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड, ये सारी की सारी चीज़ें पुरातत्वविदों को मिली हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से बना करके पूछ सकता है। इन नगरों की विशेषता क्या थी, आपको इन नगरों की विशेषता बताना है। आइए देखते हैं नगरों की विशेषताएं क्या थी। भैया इन नगरों में कई को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा, अर्थात जो ऊपर होता था उसे उन्होंने क्या कहा, नगर का दुर्ग कहा, और जो नीचे होता था उसे निचला दुर्ग कहा। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पकी ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटों की इतनी अच्छी तरह पकाई होती थी कि हजारों साल बाद आज तक इनकी दीवारें ऐसी ही खड़ी हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि दीवारें खूब मजबूत रहे, ठीक है। चलिए आपको दिखाया गया है इमेज में, यह आपकी सिंधु नदी और इसकी ये सहायक नदियां हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। और ये हड़प्पा स्थल है, राखीगढ़ी है, कालीबंगा है, ठीक है। यहाँ पे आपका मोहनजोदड़ो है, ठीक है, चाहुंदड़ो यहाँ है, धौलावीरा है, सुरकोदता है। तो इन नगरों को आप लोग देखते हुए चलिएगा। नीचे आपको क्या मिलेगा, नीचे ही आपको यहीं पर क्या मिल जाएगा, लोथल मिल जाएगा। कुछ नगरों के दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है किसकी परत चढ़ाई गई थी, चारकोल की। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें पानी भरने के लिए कुएं से पानी निकाला जाता था, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहां विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे।
कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। तो अग्निकुंड कहाँ मिला है? कालीबंगा लोथल, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो कहाँ? हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल में भंडार गृह मिले हैं। अब ये है आपका महान स्नानागार का चित्र। इधर सीढ़ियाँ हैं, इधर सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। ये वहाँ पानी भरा जाता होगा, ये किनारे आपको कमरे दिख रहे हैं, यहाँ लोग रुकते उकते रहेंगे या अपना लेटते बैठते रहेंगे, कुछ ऐसी इस प्रकार की व्यवस्था रही होगी वहाँ। चलिए, भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। ये घर का आंगन है ना, इसके चारों ओर आपको कमरे दिखेंगे ऐसे। और अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नाले में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे। ये लाइन याद रखिएगा, मेन होल बनाए गए थे जिसके जरिए देखभाल और सफाई की जा सके। कितनी बढ़िया और कितनी उच्च किस्म की व्यवस्था थी सोचिए हड़प्पा में, जिसके जरिए उसकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही कर दिया जाता था। बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। चलिए, नगरीय जीवन की बात करते हैं। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे, संभवतः यहाँ के शासक थे। यह तभी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी रहते थे जो मुहरों पर लिखते थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे जो बच नहीं पाई। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा इन नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। तो यहाँ शिल्पकार में स्त्री पुरुष दोनों हैं, जो अपने घरों में किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही वो सुदूर देशों के किस्से और कहानियाँ अपने साथ लाते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ये आपको कुछ दिखाया गया है, चलिए देखते हैं क्या लिखा है। मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, और जो है दिखाया गया है एक कुआं दिखाया गया है। बाई और नीचे हड़प्पा की एक मुहर दिखाई गई है। इस मुहर के ऊपर एक चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक जो है इसका पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। ठीक है, दाई ओर पकी जो है मिट्टी के खिलौने आपको दिखाया गया है। चलिए, नगर और नए शिल्प। कह रहा है कि आओ कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिलती हैं वे अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक है। क्या क्या है? मन के बाट और फलक है। पत्थर के बाट, देखो ये पत्थर का बाट है, दिखाया गया है। ठीक है, इसको देखिए। चलिए, ये आपको दिखाया गया है कि कैसे जो है ये हड़प्पा सभ्यता को लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन के खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन, कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी फ्रेम से बनी तकलियां सूत कताई का संदेश देती हैं। ये जो आपको चित्र दिख रहा है, ये कढ़ाईदार वस्त्र एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। इसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। सोचिए कितनी बढ़िया उस समय नक्काशी हुआ करती थी हमारे यहाँ। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना, मुहरों पर पच्चीकारी करना,
ठीक है, देखो कि मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया, जो 26 पर जो आपको ऊपर दिखाया था, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई, यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। बिना विशेषज्ञ के जो है उसको कोई बना नहीं सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों का प्रशिक्षण हासिल करते थे कि फिर केवल महिलाएँ हैं। शायद कुछ महिलाएँ पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष रहे होंगे। चलिए, फ्रेयंस के बारे में कहा जाता है। देखिए, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्रेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। कैसे तैयार होता है? कृत्रिम रूप से। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूड़ को गोद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती, पूछा जाता है, ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फ्रेयंस से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे, याद रखिएगा। कच्चे माल की खोज। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। इनमें फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता। हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें वहाँ मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को दूर दूर से आयात किया करते थे, प्यारे साथियों। चलिए, हड़प्पा के लोग जो है तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ से क्वेश्चन बना है और कई क्वेश्चन बने हैं, तो इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, याद रखिएगा। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात राजस्थान से करते थे। पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात करते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन था, आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से जिसका आयात होता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से किया जाता था, याद रखिएगा। चलिए, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों और लेखकों को दस्तकारों के खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, लेकिन क्योंकि वे प्रायः लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इन क्षेत्रों में बारिश कम होती थी, इसीलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा, जरूरत पड़ने पर उसे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। चलिए, हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पाने की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे, हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी कर लिया करते थे। चलिए आगे देखते हैं कि आगे हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण आइए करते हैं और देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है। कच्छ के इलाके में खादरबेद के किनारे धौलावीरा नगर बसा। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है धौलावीरा कहाँ बसा है। खादरबेद के किनारे बसा, वहाँ साफ पानी मिलता था, जमीन उपजाऊ। तो हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे। धौलावीरा नगर को तीन भागों में बांटा गया था। अब ये भी याद रखिएगा, धौलावीरा तीन भागों में बटा था। इसके हर हिस्से में चारों ओर पत्थर की ऊँची ऊँची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। नगर में एक खुला मैदान था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहां मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों पर खुदा पाया जाता था। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी से जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं, याद रखिएगा। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाले साबरमती एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे ही स्थान पर बसा है, जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थर शंख धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में कई तरह के मोहरे, मुद्रांकन या मुहरबंदी, जिसको गीली मिट्टी पर दबाने की बनी उसकी छाप को कहा जाता है। लोथल एक बंदरगाह था, एक बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नाएं रुकती थी। संभवतः यहां पर माल उतारा या चढ़ाया जाता रहा होगा। चलिए, इसके बाद चलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पर। यहां पर एक इमारत मिलती है, यहां संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिलते थे। मुद्रा, मुहर या मुद्रांकन या मुहरबंदी, याद रख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके यहाँ बन सकता है।
मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिनसे एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। जैसे आज हम कहते हैं भैया क्या मुहर लगी, आप अपनी मुहर लगा के दीजिए। थैलों को बंद करने के बाद मोहरों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगा दी जाती थी। मोहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं, तो मुहर की जो छाप है उसे मुहरबंदी कहते हैं। यह अगर छाप टूटी हुई नहीं है तो साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। चलिए, सभ्यता के अंत का रहस्य क्या है। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोग इन घरों को छोड़ दिया, लेखन मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया, दूर दूर कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया, मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों कुछ नहीं पता। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया। इसका कारण यह है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर तो सिर्फ कुछ ही इलाकों पर हुआ रहा होगा। ऐसे लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में हमको अध्याय 5 और 8 में पढ़ना है। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, आइए देखते हैं। पुस्तकालय में मेरी लाइब्रेरी, इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए, दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, अब इसको नोट करिएगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद, और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। सारी चीज़ें नोट करना जो अंडरलाइन करें। इसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई है। तो ऋग्वेद की रचना कब हुई है? 3500 साल पहले हुई है, नोट कर लीजिएगा। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। ये भी पूछता है ऋग्वेद की जो प्रार्थनाएं हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें सूक्त कहते हैं। और ये कितनी हैं? लगभग 1000 से ज़्यादा हैं। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुतियों में रचे गए हैं। इनमें 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे खास पेय पदार्थ बनाया जाता है। तीनों के बारे में कूट दे करके प्रश्न पूछ सकता है। मैं जो बता रहा हूँ नोट करते चलिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर छपेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, बढ़िया से नोट्स बनाइएगा। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी, आचार्य विद्यार्थियों के अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत है या वैदिक संस्कृत? अब ये इंपॉर्टेंट है, जो ऋग्वेद है आपका मेरे भैया, इस ऋग्वेद की जो भाषा है वो क्या है, वैदिक संस्कृत है या इसी वैदिक को ही हम लोग प्राक संस्कृत भी कहते हैं, याद रखिएगा। ऐसे आप लोग संस्कृति है शॉर्टकट में ऐसे नोट्स बनाइए जो एग्जाम में आपको बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करेगा। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह थोड़ी क्या होती है, भिन्न होती है। चलिए, संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपी या भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा। ये भी पूछता है संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा है, भारोपी अर्थात भारत और यूरोपीय। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं हैं। फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ शब्द संस्कृत है, माँ हिंदी है, मदर अंग्रेजी है, शब्द को देख रहे हो। चलिए, उपमहाद्वीप के दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में लिखिएगा, पूर्वोत्तर प्रदेशों में क्या बोली जाती हैं, तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं। तो द्रविड़ भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आती बाबू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आती, नोट करिएगा। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं, इसको जरूर शॉर्ट नोट्स में शामिल करिएगा।
चलिए, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। इम्पॉर्टेंट है, कूट बना के देगा, क्या ऋग्वेद को पढ़ा जाता था? नहीं, उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसको पहली बार लिखा गया, इसे छापने का काम तो मुश्किल 200 साल पहले हुआ। चलिए, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं देखते हैं। इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के सूक्त वार्तालाप रूप में है। किस रूप में है सूक्त? वार्तालाप, बातचीत। इसका मतलब क्या होता है? बातचीत के रूप में है, नोट कर लीजिएगा। विश्वामित्र नामक ऋषि ने देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। नीचे एक सूक्त का अंश दिया गया है, जो है उसको आपको जानना है। ये आप देख रहे हैं, भूर्ज नामक एक पेड़ की छाल है। ऋग्वेद की ये पांडुलिपि है। भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। तो कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में है। चलिए, विश्वामित्र ने जो नदियों से बात किया है उसका संवाद दिया गया। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, आप पढ़ना चाहें तो वीडियो को रोक करके पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं मवेशी, घोड़े और रथ की। ऋग्वेद में मवेशी वे जो मवेशी हैं, बच्चों खासकर पुत्रों घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हो, जहाँ पर जौ जैसे जल्दी तैयार होने वाली फसल को उपजाया जा सकता है। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था, शेष धन आम लोगों में। जैसे ये धन है तो धन तीन टुकड़ों में बढ़ जाता था, ऐसे नोट बनाइएगा। जैसे कुछ किसको मिला? कुछ मिल गया पुरोहित को, कुछ किसको मिल गया? सरदार को, और कुछ किसको मिल गया? आम जनता को मिल जाया करता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी, आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुतियाँ होती थी, तो घी की अनाज की और जानवरों की आहुतियाँ होती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे, कोई स्थानीय सेना नहीं होती थी। तो ऋग्वेद में कोई सेना का वर्णन नहीं है। लोग सभाओं से मिलते जुलते थे, युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। किससे? सभाओं में। वहाँ ये लोग अपना सरदार चुनते थे, जो बहादुर और कुशल योद्धा होते थे। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान, सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है, पुरोहित, उन्हें कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग उन्हें क्या कहते थे? राजा कहते थे। राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, ना इनके पास कोई सेना थी। इनके पास क्या होता था? ना तो इनके पास सेना होती थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा के मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। अब आगे देखते हैं। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था, ठीक है। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश, जिसे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय में अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ना है। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए इन्हें पुरुजन या विशजन, भरत जन या विश, यदुजन या विश जैसे कई उल्लेख शब्द मिलते हैं। चलिए, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वो लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें अनेक जो है उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो कभी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था, अर्थात जो जो काम मालिक उनसे करवाता था
उन सभी कामों को उनको करना पड़ता था। जिस युग में उप महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा है। चलिए, खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। ये शिलाखंड महापाषाण, महा माने बड़ा, पाषाण माने पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह लोगों द्वारा बड़े करीन या बड़े करीब से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू, नोट कर लीजिएगा। महापाषाण कब्र कब शुरू हुई? तो महापाषाण कब्र जो है वो 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत, कश्मीर में प्रचलित थी। इंपॉर्टेंट है कहाँ कहाँ थी, दक्कन में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में, कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर दिखाए जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। तो महापाषाण जमीन के अंदर भी हो सकते हैं और बाहर। तो ये कहाँ का दिखाया गया है? ये जमीन के अंदर का हिस्सा है दिखाया गया, ठीक है। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये एक ही मात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे के कब्रों को दर्शाते हैं। चलिए, महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह का काम करना पड़ता है। हमने जो कार्यों की सूची बनाई उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना, मरे हुए को दफनाना, इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल रंग के मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ मिले लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं। चलिए, महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, ये आपको जो दिख रहे हैं सब लोहे के सामान हैं, ठीक है, ये आपको जो उस कब्र से मिले हैं। चलिए, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद ये मानते कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति के पास रही होंगी। कभी कभी ये कब्र की तुलना में दूसरी कब्र, जो एक कब्र है उसकी तुलना में दूसरी कब्र में चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। ब्रह्मगिरी को खोजना है मानचित्र 2 में। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए। यहाँ दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ सरदार थे तो कुछ अनुयायी भी माने जाते थे। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक साथ, मतलब एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने या दोबारा आ सकते थे। इनाम गांव, एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। मानचित्र 2 में इनाम गांव को खोजना है। यहां भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहां वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसाया जो है घर गांव के सबसे बड़े घरों में से था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े थे। चलिए, क्या तुम्हें लगता है किसी सरदार का शव था? जवाब आपको देना है। चलिए, क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? तो ये जो आपको लिखा है ये आपको पढ़ना है, इसको पढ़ लेना है। हम थोड़ी सी जो इम्पॉर्टेंट झलक है आपको बता देते हैं। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नामक किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 306 हड्डियां होती हैं, या आधुनिक शरीर रचना विज्ञान में 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़ करके यह संख्या बताई थी। इनाम गांव के लोग जो है और उनके काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले।
कई जानवरों के हड्डियां मिली। कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाजा होता कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां एकत्र की जाती थी। आज का हमारा अगला टॉपिक है राजा राज्य और एक प्राचीन गणराज्य। चलिए, ये चुनाव से संबंधित एक छोटी सी बात लिखी गई है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसे अपने दोस्तों तक भी पहुंचाने का प्रयास करिएगा जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है। इसमें जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स मिलेंगे हम उनको अंडरलाइन करते चलेंगे, आप लोग उसका शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ठीक है। चलिए, कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते हैं, लेकिन बहुत साल पहले लोग शासक वैसे बनते थे। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेघ यज्ञ एक ऐसा आयोजन था, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेघ यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्हें घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब होता था कि अश्वमेघ यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित भी किया जाता था। अश्वमेघ यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता था। तो क्वेश्चन पूछा है कई बार कि युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर कौन होता, उसका सारथी। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता है। राजा के सगे संबंधी, खासकर रानियां, पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठ कर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल से छिड़क कर जो है और सारे अनुष्ठान को करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल भी नहीं होने दिया जाता था। चलिए, एक शब्द है वर्ण। उस समय समाज चार सामाजिक वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। वैश्यों का काम खेती करना, पशुपालन करना, व्यापार करना। शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। चित्रित धूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में ज़्यादा थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली तरह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर किया जाता था। ये चित्र धूसर पात्र है जो आपको दिखाया गया है। जनपद की बात करते हैं। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण जनपद जो है मानचित्र 4 में दिखाए गए हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इसमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चला, ये पूछता है मेरठ के पास कौन सा है, एटा के पास कौन सा है, कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे, चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसल को उगाते थे। चलिए, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई। ये आमतौर पर सरल रेखाओं या ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं। महाजनपद, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतम महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें होती थी। तो किलेबंदी का मतलब समझ में आया, लकड़ी, ईंट या पत्थर की एक ऊंची दीवार होती थी। चलिए, महत्वपूर्ण महाजनपद आपको दिखाए गए हैं, तो आप लोग जो है इसको जान सकते हैं। मैप में थोड़ा सा जूम करके ऐसे देख सकते हैं, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए, ये आपका तक्षशिला है, हस्तिनापुर है, मगध है, वैशाली है, उज्जैन है, कौशाम्बी है, ठीक है भैया। ये सभी के सभी आपके क्या थे,
महाजनपद थे। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण के डर से अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल ऊंची प्रभावशाली दीवार खड़ी कर दी और अपनी समृद्धि और प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह के किलों के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए एक व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी और लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों और बच्चों ने इस प्रकार अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ी होगी। चलिए ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, कौशाम्बी के किले की दीवार। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। इसका निर्माण याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब राजा क्या करने लगे, सेना रखने लगे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों पर चित्रित के रूप में देखा जाता है। इन सिक्कों के बारे में अध्याय 8 में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए कर के बारे में बात कर लेते हैं। कर क्या है, टैक्स। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे। उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी, इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। महाजनपदों के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर ना रहकर अब नियमित कर वसूलने लगे। फसल पर कर लगाए गए, कारीगरों के ऊपर कर लगाए गए, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था, आखेटकों तथा संग्राहकों को जल से प्राप्त होने वाली वस्तुएं भी देनी पड़ती थी। कृषि के युग में परिवर्तन भी हुआ। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन हुए। हल के फाल अब लोहे के फाल बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। बिल्कुल, तो उपज भी ज़्यादा होगी, फसलों की उपज बढ़ी। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया। खेतों में बीज छिड़काव, धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा जीवित रह रहे थे पौधे, इसीलिए पैदावार भी क्या होने लगी, अधिक होने लगी। चलिए सूक्ष्म निरीक्षण है मगध का। मानचित्र में 4 में आपको मगध ढूंढना है। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, लकड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ियां मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह ऐश की खदानें मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थी। चलिए मगध में दो बहुत शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी रही। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाद में पाटलिपुत्र आज का पटना राजधानी बन गया। ये पूरी की पूरी लाइन ही एग्जाम में छपती है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। 2300 साल पहले की बात है। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर, सिकंदर कहाँ का राजा था, मेसिडोनिया का, विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप के व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है, जिसके डर से उसने क्या किया, उसने भारत पर आक्रमण करना या चढ़ाई करना छोड़ दिया। वज्जी, जैसा कि तुमने पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली या बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते थे। क्या कहते थे, गण या संघ। गण या संघ में कई शासक होते थे। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सद्भावों में बैठकर बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे क्या करना है, किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कर्मकार इन सभी सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। चलिए वज्जी संघ का निर्णय दीघ निकाय से लिया गया। कहाँ से, दीघ निकाय से लिया गया। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है दीघ निकाय, बौद्ध ग्रंथ है, याद रखिएगा, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए। इसमें क्या है, बुद्ध के उपदेश हैं। 2300 साल पहले लिखा गया, ये भी पूछता है। अजातशत्रु और उसका वज्जी संघ, चलिए ये भी पूछता है। बुद्ध ने पूछा कि क्या वज्जी सब अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वत्सकार का
बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं, उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा, वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थ और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, ना उन्हें बंधक बनाएंगे, शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे, तो जो वज्जी है उसको कोई परास्त नहीं कर सकता है। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उसका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया, जिसके बारे में अध्याय 9 में पढ़ना था। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, जो सीटेट है ना, वो सीटेट का एग्ज़ाम आपका जुलाई में होगा और जुलाई सीटेट के लिए हम लोग तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फिर बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को दोस्तों तक पहुंचाइएगा। देखिए, किसी भी चीज़ में सफलता पाने के लिए आपको लग करके मेहनत करनी होगी। तो मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेंगी उनको अंडरलाइन करता जाऊंगा और बताता जाऊंगा। आप लोग उसकी एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा और अपनी नोट्स को कई बार रिवाइज करिएगा। इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। खुद की मेहनत पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस करना चाहिए। चलिए चलते हैं अध्याय 6 पर। यह है नए प्रश्न और नए विचार। देखते हैं क्या है कहानी। यह है क्लासिक्स के एनसीईआरटी, हम लोग पढ़ेंगे बुद्ध की कहानी से। चलिए, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ मिलेंगी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, तो बुद्ध का नाम पहले सिद्धार्थ था, गौतम के नाम से भी इनको जाना जाता है। उनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय है जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय क्या हो गए थे, बहुत शक्तिशाली हो गए थे। और वो क्या कर रहे थे, हजारों सालों बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। अब बुद्ध से संबंधित यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। वे क्षत्रिय थे, इम्पॉर्टेंट है। शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। युवा अवस्था में ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। इससे क्या मिलता है, अगर आपको ज्ञान चाहिए तो घर के सुखों को छोड़ना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट यहाँ से निकला। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे, अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्त के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। अर्थात सफलता क्या होती है, स्वयं से ही मिलती है। स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोधगया बिहार में एक पेपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की और उन्हें क्या प्राप्त हुआ, ज्ञान। किस, कहाँ, बोधगया में, कहाँ है, बिहार में। किस वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे। इसके बाद बुद्ध के रूप में वे जाने गए। कब, जब उनको ज्ञान मिल गया, तो ज्ञान के बाद वे क्या कहलाए, ज्ञान के बाद वे बुद्ध कहलाए। उसके बाद वे वाराणसी के निकट सारनाथ गए, जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। इम्पॉर्टेंट है, कुशीनारा में मृत्यु, याद रखिएगा, नारा में मृत्यु। तो कुशीनारा में मृत्यु हो गई थी। उसके पहले शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने लगे और लोगों को शिक्षा देने में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। चलिए, बुद्ध की शिक्षाएं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इन्होंने कहा कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा है। इसका कारण है हमारी इच्छा और लालसाएं, जो कभी पूरी ही नहीं हो सकती। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इसे लिप्सा या तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। चलिए, ये है भैया सारनाथ का स्तूप। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया। इसी घटना की स्मृति में स्तूप का निर्माण किया गया, जिसके बारे में अध्याय 10 में बहुत डिटेल से पढ़ना है। अभी मैं आपको इमेज दिखाऊंगा। ये बनारस के सारनाथ का स्तूप है।
उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ जीवन के बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की भाषा प्राकृतिक भाषा में दी। इसे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सकें, पढ़ सकें और जान सकें और उसको अपना सकें। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था। तो आपने पढ़ा था वैदिक संस्कृत का, किसका? वैदिक संस्कृत का हमने आपको बताया था, ठीक है ना, वैदिक संस्कृति का प्रयोग हुआ था। बुद्ध ने कहा कि लोगों जो है वो जो लोग हैं वो किसी शिक्षा को केवल इसीलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें और देखें उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षाओं को पहले मापिए, फिर जो है क्या करिए उसको अपनाइए। ये है किस्सा गोमती की कहानी, ठीक है ना। तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ, इसमें एक उसका बेटा मर जाता है तो बुद्ध कहते हैं आप मुझे उस घर से कुछ अनाज ला के दीजिए जहाँ से कोई मरा ना हो, मैं आपके बेटे को जीवित कर दूंगा। और वो बुढ़िया कुल घूम आती है तो सब क्या कोई कोई मरा रहता है, तो अर्थात जो है इसमें इसी की कहानी है। चलिए उपनिषद के बारे में बात करते हैं। भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियाँ हैं जिन्हें षड् दर्शन कहा जाता है, याद रखिएगा। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणाद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी, व्यास द्वारा की जाती है, जो आज भी देशों में बौद्धिक चर्चा का जो है उसको दिशा या रास्ता देते हैं। चलिए आगे क्या लिखा है देख लेते हैं, आगे भी इसमें कुछ लिखा है, पहले इसको समझ लेते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारत में फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं तथा सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। चलिए अब हम लोग उपनिषद के बारे में जानकारी करते हैं। इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का मानना यह था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है, जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा अथवा ब्रह्म या सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही, याद रखिएगा, ठीक है। ये विचार हमें उपनिषदों में मिलता है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे, ये इम्पॉर्टेंट है। कहाँ का हिस्सा है? उत्तर वैदिक ग्रंथों का। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठना, ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया जाता था। प्रायः ये विचार सामान्यतः वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। चलिए ये बुद्ध भिखारी का एक प्रसंग है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण या राजा होते थे। कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री, ये तीनों के नाम याद रखिएगा, गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री चार हैं। स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में हिस्सा लेती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद से बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उनकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के विचारों का जो विकास है बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, ठीक है, इसके बारे में अध्याय 7 में पढ़ना है। व्याकरण विद पाणिनि इम्पॉर्टेंट है। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज रहे थे। उनमें प्रसिद्ध विद्वानों में एक थे पाणिनि, ने संस्कृत भाषा की व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग में नियम लघु सूत्रों के रूप में किया है, ठीक है। चलिए जैन धर्म पर चलते हैं। जैन धर्म इसी युग में अर्थात 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी
याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है, वज्जी संघ के लक्ष्मी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। याद रखिएगा उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ना चाहिए। उन्होंने अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना है कि सभी जीव जीना जो जीवन है वो जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी है, यही कारण है साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर उनके अलग अलग नाम, जैसे मगध में बोले जाने वाली प्राकृत माघधी कहलाती थी। इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है, जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था, चोरी ना करना, उन्हें सख्त हिदायत दी गई थी, ब्रह्मचर्य का पालन करना, पुरुषों को स्त्रियों से सब कुछ त्यागना पड़ता था। ये जैन का सिद्धांत था। अधिकांश व्यक्तियों के लिए कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था, फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और सीखने के लिए कई अपने घरों पर रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। चलिए, जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है विजेता, याद रखिएगा। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में रही। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 15 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए संघ के बारे में जानते हैं। संघ क्या है? महावीर तथा बुद्ध दोनों का मानना है कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक एक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रहे। ये अब की बार सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पूछा गया था। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को माता पिता, दासों को स्वामी, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा, कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी, याद रखिएगा। संघ में प्रवेश करने वाले स्त्री पुरुष सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे। दिन में एक निश्चित समय में शहरों तथा गांव में जाकर भिक्षा मांगते। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी कहा गया है। ठीक है, साधु के लिए प्रयुक्त होने वाला ये प्राकृतिक शब्द है। शिक्षा देते समय और साथ साथ एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकों को किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, बुद्ध, मजदूर, नाई, गणिकाएँ, दास शामिल थे। इनमें कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा। कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। अब विहार को हम बताते हैं। विहार क्या है, ये भी पूछा जाता है। जैन बौद्ध भिक्खु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्ख भिक्षुणी ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक सरल स्थलों की आवश्यकता महसूस हुई। तब कई सरल स्थल बनवाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार के बारे में देखिए। पहाड़ी को काटकर बनाई गई ये गुफा, यह कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्ख भिक्षुणी इन सरल स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। ठीक है, चलिए। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है कि जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते थे तो अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते थे। लकड़ी के बनाए गए, बाद में इनका निर्माण ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ बिहार पहाड़ों को खोद करके बनाए गए हैं।
इसका जो है किसी धनी राजा अथवा भूभाग स्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर इसका निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षुओं के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे। बदले में भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आने वाले शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों तथा बाहरी क्षेत्रों में फैला था। याद रखिएगा, फैलने में बौद्ध धर्म था, जैन धर्म नहीं था। ये भी पूछता है, इस समय बौद्ध धर्म एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषता थी। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल है उसके तौर पर उसका निर्माण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ वो तक्षशिला में बनाई जाती थी, याद रखिएगा। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर है। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में रहना ही ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया और जापान तक फैल गई। तो किसकी? बोधिसत्व की, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक भागों में फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए तीर्थयात्री के बारे में बात करते हैं। तीर्थयात्री कौन होते हैं? चलिए, तीर्थयात्री स्त्री व पुरुष हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। इसी तरह भारत की यात्रा पर आने वाला चीनी बौद्ध यात्री फा एशियन काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया, स्वयं सांग 1400 साल पहले और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया था। मतलब 1600 साल पहले कौन आया था, ऐसे नोट करिएगा, 1400 साल पहले कौन आया था और इसके 50 साल बाद कौन आया था, ऐसे याद करिएगा। ये सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों को भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों का जो है उन्होंने आँखों से देखा, उसके बारे में उन्होंने लिखा अपनी किताबों में। चलिए, नालंदा का एक विशिष्ट संवाद है, ये पूछा जाता है। स्वयंसांग कहता है अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में लिखा, यहाँ शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम सख्त हैं, जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलता रहता है, जिसमें युवा और वृद्ध दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग आकर अपनी शंकाएं दूर करने आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल कठिन प्रश्न पूछते हैं, तब उन्हें अंदर जाने की अनुमति मिलती है। वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं, 10 में से 7 या 8 उत्तर दे पाते थे। सोचिए, नालंदा के जो हमारे गेटकीपर होते थे कितने ज्ञानवान होते थे। उस समय भारत शिक्षा के मामले में सर्वोत्तम था, उससे उच्च शिक्षा कहीं नहीं थी। जीवन के चरण आश्रम में बटे हैं। आश्रम शब्द का अर्थ है जीवन के एक चरण से, याद रखिएगा। पूछता है क्वेश्चन, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना पड़ता था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया, याद रखिएगा। चलिए, इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है प्यारे साथियों। चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है ये हमारा पहला टॉपिक। इस अध्याय में रोशन के रुपए वाली सामग्री बच्चे के तस्वीर के साथ लगाएं। हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया, फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इससे पहले कि हम यह जानें कि अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। चलिए, ये है आपका
अशोक का स्तंभ जो शेरों वाला है, मैं आपको इमेज में दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ चक्र है, बैल है, ठीक है, यहाँ आपके चार शेर हैं, याद रखिएगा, 1, 2, 3 और एक पीछे, चार हैं। ये आपका कमल का फूल है, बना है, ठीक है, मैं इमेज को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इस, अच्छा ये तो हमने बता दिया है, अशोक जिस समय साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले की थी। इम्पॉर्टेंट है, चाणक्य या कौटिल्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। किताब इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे, ठीक है, आगे मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर, तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वंश क्या है, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद राजा बनते हैं तो उन्हें वंश कहा जाता है। मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और उसका बेटा अशोक, याद रखिएगा। चलिए, तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया, याद रखिएगा, कहाँ कहाँ, जो आपका तक्षशिला है, मैं लिख देता हूँ, तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया, ठीक है, ये मध्य एशिया के लिए आने जाने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने के रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे, ठीक है। चलिए, साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गाँव में बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल संग्रहण करते और जानवरों का सिवा जो है शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार के भोजन करते और यहाँ की अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। चलिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, मौर्य साम्राज्य उस युग के प्रमुख नगर और अभिलेखों की प्राप्ति स्थल। चलिए, पहले मैप में देखिए, महत्वपूर्ण नगर ब्लैक से, अभिलेख प्राप्ति स्थल रेड कलर से, तो रेड कलर से जो हैं वहाँ वहाँ अभिलेख मिले हैं, याद रखिएगा। चलिए, कहाँ कहाँ मिले हैं, कंधार, लक्ष्मक, मानसेहरा, सहवाजगढ़ी, कलसी, टोपरा, पापुर, मेरठ, लुम्बिनी, रेड वाले सारे हैं, ब्लैक वाले तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र। देखिए, पाटलिपुत्र कहाँ है, यहाँ है, उज्जैन यहाँ है, तक्षशिला यहाँ है, ठीक है, ये आपके प्रमुख नगर थे, याद रखिएगा। चलिए, राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है, चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसीलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत भी होती थी। अब साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था, आइए जाने। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसीलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था, ठीक है। अब आइए, पाटलिपुत्र आपको दिखाते हैं हम कहाँ हैं। पाटलिपुत्र ये है, इसका मतलब यहाँ राजा, इतने आसपास के इलाकों पर राजा का नियंत्रण, और ये जो दूर दराज के रहे तक्षशिला और उज्जैन जैसे क्षेत्रों पर यहाँ कैसे होता था, अभी मैं आपको बताता हूँ। चलिए, पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था, इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ के जो इलाके हैं, गाँव शहर के किसान, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारी, ठीक है, इनसे कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा देते थे। इनमें कई अधिकारियों का वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारी के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार या वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत थे, इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। देखिए, ये है पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, देखिए ये है उज्जैन, ठीक है, ये क्या थी, ये प्रांतीय राजधानी थी, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या है, तक्षशिला, ये आपकी क्या थी, ये प्रांतीय राजधानी थी, और ये क्या है, पाटलिपुत्र है, क्या है, पाटलिपुत्र, ये प्रांतीय राजधानियाँ थी। अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल या गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को माना जाता था, याद रखिएगा। चलिए,
प्रशासनिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभवतः संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठा किए जाते थे। अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर देंगे। नजराना क्या होता है, आइए जानते हैं। नजराना या जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठा किए जाते हैं, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव है इकट्ठा किया जाता है। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते हैं जो स्वेच्छा से इसे देते थे। मतलब कर आपको जबरदस्ती देना पड़ेगा, लेकिन नजराना स्वेच्छा से देना पड़ेगा। राजधानी में सम्राट का एक वर्णन है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। मैं पाटलिपुत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ, यह इम्पॉर्टेंट है। एक विशाल और खूबसूरत नगर है, इसका विशाल प्राचीरता मतलब बहुत विशाल प्राचीर से घिरा है। 570 बुर्ज, 64 द्वार, 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर नक्काशी से अलंकृत किया गया है। चारों तरफ उद्यानों और चिड़ियों के लिए बसेरों से घिरा है। कितना महत्वपूर्ण लिखा गया है, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक एक महान सम्राट, जिस टॉपिक पर अब हम लोग बात करेंगे। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतीय भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, ये इम्पॉर्टेंट है, छाप लीजिएगा। बहुत बढ़िया ये नोट्स बन रही है, आप लोग ऐसे नोट्स बनाते चलिएगा। अशोक का कलिंग युद्ध, कलिंग कहाँ है, तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है, ये भी पूछता किसका प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उसे युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं लड़ेंगे। चलिए, कलिंग युद्ध का यह वर्णन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैं वो बता देता हूँ। चलिए, धम्म संस्कृत शब्द का धर्म रूप प्राकृतिक रूप है, ये पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अशोक का धम्म क्या था, चलिए अशोक का धम्म, उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति के देखो, यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी से राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, यह उस समय की मूर्ति कला का एक सुंदर नमूना है। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता है कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को निर्देश देव बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, जिसे कई बार टकराहट पैदा हो जाती थी। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान करना उनका कर्तव्य है, इसीलिए उन्होंने धम्म महामात्र नामक एक अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षाएं दी। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश उन लोगों को पढ़ करके सुनाए जो खुद नहीं पढ़ सकते हैं। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे, यह इम्पॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ दूत भेजे थे नोट कर लीजिएगा। अशोक ने प्रचारित करने के लिए सीरिया, मिस्र और ग्रीस में दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संगमित्रा को इस कार्य के लिए श्रीलंका भेजा। श्रीलंका किसको भेजा था, अपने पुत्र और पुत्री को। चलिए, उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। सोचिए कितनी बढ़िया व्यवस्था कर रहे थे अशोक। अपनी प्रजा को उन्होंने एक संदेश दिया है, ये संदेश आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यह है ब्राह्मी लिपि के बारे में। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई। आप यहाँ अक्षर को अलग अलग लिपि में देख सकते हैं। चलिए, यह आ अक्षर है, यह आरंभिक ब्राह्मी लिपि है। देवनागरी हिंदी है, बंगला है, मलयालम है, तमिल है, ऐसे आ को लिखा जाता है, याद रखिएगा। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है
सीटेट का एग्जाम आपका जुलाई में होगा, तो सीटेट जुलाई की कंटिन्यू तैयारी हम आपको करवा रहे हैं। प्यारे साथियों, हमारा अगला टॉपिक है गांव, शहर और व्यापार। आज हम लोग इस टॉपिक की चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर करिएगा। इसके साथ ही साथ आपकी BBSC टायर 3 की भी क्लासेस चल रही हैं, अपने दोस्तों तक जो है उसको शेयर करिए, उनको बताइए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ताकि लोग जुड़े और इस वीडियो का जो बेनिफिट है उसको उठाएं। आइए चलते हैं अपने पहले टॉपिक पर, लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले, जिनके बारे में अध्याय 4 में पढ़ा है। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए जो हलों के फाल हैं शामिल हैं। अध्याय 5 में आपने पढ़ा कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि में उत्पादकता बढ़ गई। चलिए, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम और सिंचाई। चलिए, समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। चलिए एक चार्ट दिखाते हैं, ये चार्ट आपको भरना है तो आप लोग इसको देख करके भर लीजिएगा। गांवों में कौन रहते थे, अगला टॉपिक है। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। अब ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, आराम से देखिएगा। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लला, साधारण हलवाहों को उड़वार, भूमिहीन मजदूर हैं उन्हें कडेसियार और अधिमाई कहलाते थे। ये सारे इम्पॉर्टेंट है, नोट करिएगा। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। ये दक्षिण भारत के बारे में है, ये उत्तर के बारे में है। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी यह पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंपते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी, उन्हें दास कर्मकार इस श्रेणी में आते थे, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे शिल्पकार भी रहा करते थे। प्राचीन तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इसकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया था। गांव में रहने वाले जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ मिलता है, वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बना है। चलिए सिक्कों के बारे में जानते हैं। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले, जिसका चित्र नीचे दिखाया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोलाकार होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं के बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर जो कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक प्रचलन में रहे। आप लोगों ने आहत सिक्कों को देखा होगा। चलिए अब हम लोग
आगे चलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते हैं। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र थे। अक्सर नगर कई महत्वपूर्ण जो है कारणों से बहुत महत्वपूर्ण होते थे। उदाहरण के लिए मथुरा को देखना है, यहाँ 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, अनेक मंदिर थे। आसपास किसान पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र भी था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछता है। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है, यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र इसको माना जाता है। मथुरा में प्रशस्तर खंडों और मूर्तियाँ अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्राय शहर के राजा रानी अधिकारी व्यापारी शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों, इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। शिल्प तथा शिल्पकार, पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले। उन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग से मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पी के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें जो है पता चलता है, कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों काम करते थे। चलिए, अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणी का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल को वितरित करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणी व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में भी काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा करते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उसे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था, फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था। चलिए, सूत कातने और बुनने के नियम, इसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण अरिकमेडू, चलिए। अरिकमेडू पुदुचेरी में लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकमेडू एक पत्तन था। यहाँ दूर दराज से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इसमें दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसी मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इससे मुहर पर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए, कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन रोम का था, किंतु वे वहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोम लैंप, शीशे के बर्तन, रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं, संभवतः कपड़ों की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। चलिए, बेरिगाजा भरूच, बढ़िया है, इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। बेरिगाजा की सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चलाना बहुत मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल अनुभवी स्थानीय मछुआरे यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरिगाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने, चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कॉर्नियल, सूती कपड़े, रेशम, इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे, चांदी के बर्तन, गायक और किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब, उत्कृष्ट महीन कपड़े भी इसमें क्या थे, शामिल थे। व्यापार और व्यापारी, तुम उत्तरी काले पालिस वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर पर इनकी कटोरियां तथा थालियां, इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिलते हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे।
ऐसा अनुमान लगाया जाता है जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते रहे होंगे। दक्षिण भारत सोना मसाला खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में इतनी डिमांड थी कि उसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन के सिक्के मिले हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। एक व्यापार की कविता दी गई है, ये पढ़ना है आपको। व्यापारियों ने कई समुद्री मार्ग खोज निकाले, इनमें कुछ समुद्र के किनारे, कुछ अरब सागर बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिम तट तक पहुँचना चाहते थे तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता है। समुद्र तटों से लगे राज्य, इस उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में एक बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार, नदी के मैदान, नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। नोट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मुवेंदार की चर्चा मिलती है। एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ क्या है, तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है, चोल, चेर और पांड। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा। जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। तीन मुखियों के अपने अपने दो दो सत्ता केंद्र थे, इनमें एक तटीय हिस्सा और दूसरा अंदरूनी हिस्सा था। इन छह केंद्रों में से दो महत्वपूर्ण थे, एक चोलों का पत्तन पुहार या कावेरी पट्टम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। नोट करते चलिएगा, ठीक है। ये मुखिया लोगों ने नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे। आसपास इलाकों में जो शुल्क है उसको वसूलते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रखते, बाकी समर्थकों, रिश्तेदारों, सिपाहियों, कवियों में बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी रथ और सुंदर कपड़े दिया करते थे। लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ा। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्रेयी द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापत के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापत का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी। चलिए याद रखिएगा। रेशम मार्ग और कुषाण, कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इन रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क और तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में प्रसिद्ध कुषाण थे। इम्पॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है, याद रखिएगा। 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी, फिर जहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। प्यारे साथियों, आज हम लोग जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो है नए साम्राज्य और राज। सीटेट जुलाई की लगातार क्लासेस हम आपकी चला रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर करिए। हमारी ट्रिक आपको पता चल गई होगी, हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करेंगे, आप उनको अपनी शॉर्ट नोट्स में ऐड करेंगे। देखिए भैया, सिंपल सी बात है,
अगर आपको कोई भी एग्जाम अच्छे तरीके से पास करना है तो अपनी नोट्स होना बहुत जरूरी है। आप ये सोचते हैं कि सर ही कोई नोट्स हमको ऐसी दे दें जिसको एक ही बार पढ़ लें और काम हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए कहा जाता है सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आपको भी अपने हौसलों से उड़ान भरनी पड़ेगी, सीटेट की तैयारी आपको करनी पड़ेगी, अच्छा नंबर लाना पड़ेगा, तभी आप आगे चल कर के वैकेंसियों में प्रतिभाग कर पाएंगे। चलिए बहुत ही आराम से पढ़ते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। टॉपिक है क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था एक बच्चा है अरविंद, उसी से जुड़ करके इस कहानी को बनाया गया है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इनकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। तो प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है भैया? इसका अर्थ होता है प्रशंसा, ठीक है। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में आपने पीछे पढ़ा था, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व बढ़ा। तो आपसे पूछेगा प्रशस्तियों का महत्व तो किस काल में बढ़ा? गुप्त काल में। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है? कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि ईश्वर के बारे में या ईश्वर के बराबर उसको बता दिया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश आपको दिया गया है नीचे। चलिए, युद्ध जो आपका योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध के मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों, अन्य सैन्य जो है सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर है। अर्थात कितना बढ़ा चढ़ा करके किसी चीज़ को प्रशस्ति में बताया जाता है। चलिए आगे कह रहा है, यह है समुद्रगुप्त का संगीत प्रेमी होने का साक्ष्य। गौर से देखो तो पाओगे कि क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है, जो है पृष्ठ संख्या 89 में मानचित्र 7। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे, उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के मिलेंगे। यह मानचित्र प्रशस्ति में प्राप्त जानकारी के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन चार विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। चलिए, वीणा बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसे इन सिक्कों में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। मानचित्र के हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर राज्यों को साम्राज्य में मिला था। इम्पॉर्टेंट, छाप लीजिएगा कॉपी में, आर्यावर्त के कितने शासकों को हराया था? 9 शासकों को हराया था। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं, दक्षिणापथ के 12 शासकों को हराया था, ये भी नोट करिएगा। इनमें से कुछ की राजधानी को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिखाए गए। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन की अनुमति दी। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते थे। समुद्रगुप्त के लिए ये उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते, उनके दरबार में उपस्थित रहते थे। बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, संभवतः कुषाण और शक वंश के थे। श्रीलंका के शासक भी थे, इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकारा और अपनी पुत्रियों का विवाह किया। सोचिए, ऐसे समुद्र जो था,
जो समुद्र गुप्त था वो समुद्र जितना गहरा था, उसकी पैठ इतनी मजबूत थी। याद रखिएगा, ये समस्त आपको दिखाया गया है, किन किन क्षेत्रों को दिखाया गया है। मैप आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा, मैप से ही संपूर्ण जानकारी आपको मिलती है प्यारे साथियों। चलिए, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के जो प्रतीक है उसके रूप में इस संवत की स्थापना की और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। दो काम किया, किस पर? जब उन्होंने शक पर क्या मिली उनको? विजय। तो विजय मिलने के उपलक्ष्य में ऐसे दो काम किया, विक्रमादित्य की उपाधि और एक जो है विक्रम संवत। वंशावलियाँ, अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह, पितामह यानी परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। तो जो चंद्रगुप्त हैं, इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। तो चंद्रगुप्त ने कहा, जब पापा ने धारण किया है तो बेटा भी धारण करेगा। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में उल्लेख है। इससे आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का जो महत्व है वो बढ़ता चला गया। समुद्रगुप्त के बारे में उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा, उनका दरबार विद्वानों से भर गया। इनमें कुछ के बारे में अध्याय 10 में जानकारी मिलेगी। हर्षवर्धन हर्षचरित एक क्वेश्चन बनता है आप। चलिए, जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चला, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनका एक दरबारी कवि था बाण भट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित, अब देखिएगा हर्षचरित ऐसे नोट करिएगा, किससे संबंधित है? जो है ये हर्ष से संबंधित है। किसने लिखा है? बाण भट्ट ने लिखा है। इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा है संस्कृत है, ठीक है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी यात्री स्वयंसांग, जिनके बारे में तुमने अध्याय 8 में पढ़ा, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका बहुत ही विस्तृत रूप से उन्होंने क्या कर दिया था? वर्णन कर दिया था। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। अपने पिता और बड़े भाई के मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। उन्होंने उनका जो बहनोई था कन्नौज का शासक था, जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा बंगाल को भी जीतकर उन्होंने पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया था। चलिए, पल्लव चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ, इनके बारे में भी कुछ जानकारी हमें जानना है। इस काल में पल्लव चालुक्य दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण राजवंश थे। ये दक्षिण भारत आपका ये वाला हिस्सा है, यहाँ के थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। पूछता है पल्लवों का राज्य कहाँ था? कांचीपुरम से लेकर के कावेरी नदी के डेल्टा तक, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में था, ठीक है। नोट करते चलेगा, सब इम्पॉर्टेंट है। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे।
पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता, जो समृद्ध शहर थे उनको टारगेट किया जाता। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके द्वारा एक जो उनके दरबार का कवि है रविकीर्त द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों खास तौर से पिछली चार पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। चलिए, रविकीर्त के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ होता है आनंद। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद अब हर्ष हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लव और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की इकाई गांव होते थे। धीरे धीरे कई नई बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कुछ कदम भी उठाए। पहला क्या है, कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बनाए। बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कवि हरसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायिक अधिकारी था। पूछेगा हरिसेण किस पद पर था, ठीक है। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे हरिसेण महादंडनायक के साथ कुमार मात अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषय का भी मंत्री था। तो मतलब उसको तीन तीन विभाग दिया गया था। संभवतः स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठ यानी मुख्य बैंकर, शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिलों का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार, कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। चलिए, इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावी होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते हैं। एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे। हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे। इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता देते थे। सेना नायकों को नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में कुछ भूमि दी जाती थी। दी गई भूमि से वो कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते। साथ ही वे इसे युद्ध के लिए हथियार जुटाते। इस तरह के व्यक्ति को सामंत कहा जाता था। शासक दुर्बल होते ही सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश किया करते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते हैं। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख का काम करते थे। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक ग्राम सभा होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। उस जमाने के लोग जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों और कुछ स्रोतों से मिलती है। चलो एक उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। नाटकों में एक रोचक बात है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शाकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में गरीब मछुआरी के साथ राज्य कर्मियों के दुर्व्यवहार की जानकारी है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। एक चीनी तीर्थयात्री फाहसियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया, जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे।
इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। एक जगह बाणभट्ट का अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसको मैं क्या बताऊँ, देखिए इसको प्यारे साथियों। इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आपका सीटेट का एग्ज़ाम जुलाई में फिर से होगा, तो हम लोग जो सीटेट है वो जुलाई की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, जब तक आपका बेसिक नहीं क्लियर रहेगा तब तक आप जो है एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। जो भी भाई बहन एक या दो नंबर से फेल हैं, उनको मैं यही बताना चाहूँगा, वो लोग प्रैक्टिस करें, ठीक है। सबसे पहले आप किताबों को अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, ताकि जुलाई के सीटेट में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। आइए आज हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर 10 पर, जिसमें इमारतें, चित्र तथा किताबों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्यारे साथियों, बिल्कुल परेशान मत होइए, हम आपको वनलाइनर नोट्स देंगे, सारी चीज़ें आपको मुहैया कराएंगे, निःशुल्क करवाएंगे। कोई भी चीज़ बिना पैसा लिए हम आपको संपूर्ण चीज़ देंगे। बस आपको सिर्फ क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। और जी हाँ, मैं इस बुक को पढ़ाते समय जो भी चीज़ें अंडरलाइन करूँ, बताऊँ, वो महत्वपूर्ण होती है, उसको आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं धातु विज्ञान की। धातु विज्ञान क्या है, आइए समझते हैं। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे, उन्हें तांबे के धातु शोधन की जानकारी थी, उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। हड़प्पा कांस युग से जुड़े थे, जो वहां के निवासी थे उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंधित थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। अब ये याद रखिएगा, खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। क्वेश्चन पूछता है भारत किन तीन प्रकार के लोहे का निर्माण करता था, तो खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा जो है करता था, याद रखिएगा। चलिए हम बात करते हैं आपसे लौह स्तंभ के बारे में। महरौली कहाँ है, दिल्ली में है, नोट कर लीजिएगा। कुतुब मीनार है, उसके परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से ज़्यादा है। निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात है, इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। सोचिए कितना जो है अच्छे तरीके से इसको वहाँ पर लगाया गया होगा। ईंट और पत्थरों की इमारतें, हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने जो स्तूप जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है, याद रखिएगा। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी जो स्तूप है उनके भीतर एक डिब्बा रखा रहता है, याद रखिएगा। क्या रहता है, डिब्बा। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायी जो थे उनके शरीर के अवशेष रहते हैं, जैसे दांत, अस्थि, कोई भी हड्डी, राख, ठीक है, उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। इसे धातु मंजूसा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, धातु मंजूसा। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूसा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। जैसे ये धातु मंजूसा है, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे मिट्टी रख दी जाती थी, तो उसे टीला मान लिया जाता था। बाद में टीलों को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में इस गुंबदानुमा ढांचे की तरह तराशे हुए पत्थरों से इसको ढक दिया गया। इस तरीके से आकार इसको दे दिया गया। देखिए ये है, आपको स्तूप दिखाया गया है, ये सांची का महान स्तूप है। यहाँ देखिए गेट पर डिज़ाइनें बनी हुई हैं, रेलिंग्स लगाई गई हैं, ठीक है ना। चलिए
प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता है जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते। जो रास्ता घेरा जाता था उसे वेदिका कहा जाता था। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सांची का महान स्तूप का सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा। इन स्तूपों में ईंट का जो प्रयोग है संभवतः अशोक के जमाने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए हैं, याद रखिएगा। मानचित्र 7 में आपको अमरावती देखना है। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 1-2 हजार साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए मतलब बनाए गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों के द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता है, याद रखिएगा। पूछा जाता है मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? गर्भगृह है, जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता है। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे, भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों के ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते हैं। मंदिर के ऊपर क्या बनता था? जैसे आप देखते हैं मंदिर है, तैसे शिखर बनाया जाता था। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में जो है मंडप नाम की एक जगह होती थी, यह एक सभागार होता था जहाँ लोग क्या होते थे, इकट्ठा होते थे। बाएँ यह उत्तर प्रदेश के भीतर गाँव का एक क्या है, मंदिर है, जो है लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंटों और पत्थरों से इसको बनाया गया था। ये दाएं जो है महाबलिमपुर के एकास्मिक मंदिर का है। कहाँ का है? महाबलिमपुर के एकास्मिक मंदिर का चित्र है, देख लीजिएगा। महाबलिमपुर और ऐहोल को ढूंढना है मानचित्र 7 में। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। चलिए, इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी से तराश कर बनाया गया है, इसीलिए इन्हें एकास्म कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों में यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों से नीचे ईंटों की तरह जोड़ते हुए ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को काट कर जो है ऊपर ले जाने के क्रम में इसको बनाया जाता था। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इसकी सूची आपको बनाने के लिए कहा गया। ये है ऐहोल का दुर्गा मंदिर, जो 1400 साल पहले इसको बनाया गया था। चलिए, स्तूप और मंदिर किस तरीके से बनाए जाते थे? स्तूप तथा मंदिर बनाने की प्रक्रिया कई अवस्थाएँ थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा रानी इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना पड़ता था, जो बहुत ही मुश्किल काम है। उड़ीसा का जैन मठ है, एक पहाड़ी को खोदकर बनाया गया है, ये आप लोग देख लीजिएगा। यही है जिसके बारे में ऊपर बताया गया है। नीचे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में एक मूर्ति का चित्र है, ये जो मूर्ति है इसको देखना है, ठीक है। राष्ट्रीय संग्रहालय में इसको रखा गया है। ये शायद नरसिंह भगवान का चित्र है। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी देते थे। इसके अतिरिक्त स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी का दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं, तोरण को बनाने का खर्च दिया था, याद रखिएगा। इनकी सजावट के लिए पैसा देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार, ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे।
जिनके नाम खंभों रेलिंगों पर आपको दिखाए जाते हैं तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोग ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। चलिए, चित्रकला क्या है? मानचित्र 7 में अजंता को देखना है। यह वह जगह है जहां पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई जिनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। विहार कब? जब वर्षा ऋतु में वे जहां रहते थे। कुछ को चित्रों के द्वारा सजाया गया, यहां उनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी से बनाए गए। इन चित्र के रंग 1500 साल भी बाद चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इम्पॉर्टेंट है, ये लाइन नोट कर लीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ ये रंग किससे बनाए गए। पौधों और खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं, उनके नाम नहीं मिलता। अब देखिए कितना सुंदर ये है, उस जमाने का ये चित्र कितना सुंदर तरीके से आपको दिखाया गया है। चलिए, पेंटिंग देखिए कितना सुंदर दिखाया गया है। अगला टॉपिक है हमारा पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं, देवी देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिप्लाधिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, पूछता है किसने की थी। इसमें कोलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पहाड़ में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पहार को छोड़कर मदुरै चले गए। वहाँ पांड राजा के जो दरबारी जौहरी ने कोलम पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रेस से भर आई। उसने मदुरै शहर का क्या कर डाला था, विनाश कर डाला था। ये वर्णन मिलता है, सिप्लाधिकम से लिया गया एक वर्णन है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे, एक तमिल महाकाव्य मणिमेखलई को करीब 1400 साल पहले सत्यनार द्वारा लिखा गया। इम्पॉर्टेंट है, सत्यनार ने किसको लिखा था, मणिमेखलई को, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा, मणि क्या होती है, मणि सत्य होती है, मतलब सत्यनार ने लिखा था। कोलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है इसमें। ये रचनाएं कई सदियों पहले खो गई थी, उनकी पांडुलिपियाँ दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक कालिदास हैं जिनके बारे में अध्याय 9 में पढ़ना है। ये संस्कृत में लिखा करते थे, याद रखिएगा। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले प्रचलित थी इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी सम्मिलित हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। पुराणों में विष्णु शिव दुर्गा और पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ जो है हमें उनका अध्ययन करने को मिलता है। मेघदूत का एक श्लोक, मेघदूत कालिदास की रचना है, वहाँ का एक श्लोक है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ से ये क्वेश्चन नहीं बना था, मेघदूत के बारे में पूछ सकता है। इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे जिसे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे। तुमने भी कुछ बच्चे जो है इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पुरु वंश की राजधानी क्या थी, हस्तिनापुर थी। इसी को लेकर के कौरव पांडव में युद्ध हुआ था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है। आज हम इसे जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया। महाभारत में भगवत गीता भी है। भगवत गीता किस में है, महाभारत में है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। राम कहाँ के राजकुमार थे, कौशल के। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम की लड़ाई जो है राम को लड़नी पड़ी रावण से, और वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। तो कौशल की राजधानी क्या थी, अयोध्या थी। ऐसे नोट करिएगा, ये है कौशल और इसकी राजधानी क्या है, तो वो है आपकी अयोध्या, ठीक है। कौशल
महाभारत की तरह रामायण भी एक प्राचीन कहानी जो बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, आम लोगों के द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ जैसे कविता गीतों की वो रचना करते थे, गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे, इनमें कुछ तो इस समय आसपास जातक और पंचतंत्र, ये दोनों पूछता है, जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती हैं। ठीक है, चलिए, एक बंदर राजा की कहानी यहाँ आपको दी गई है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको नहीं टच करेंगे। विज्ञान की पुस्तकें, इस समय गणित और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम पुस्तक लिखी। इम्पोर्टेंट है आर्यभट्टियम किसकी पुस्तक है, आर्यभट्ट की है। उन्होंने दिन और रात पृथ्वी पर अपनी धुरी पर चक्कर लगाने के कारण होते ये भी बताया, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि भी ढूंढ निकाली जो लगभग उतनी ही सही है जितनी की आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजे की, आइए इनको आपको पता लगाना है। चलिए, शून्य और आयुर्वेद, अंकों का प्रयोग पहले से होता था पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई, तब यूरोप में फैल गई, आज इसको पूरी दुनिया जानती है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान का एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद को दो प्रसिद्ध चिकित्सक मिले, एक चरक प्रथम से द्वितीय शताब्दी ईस्वी, सुश्रुत चौथी शताब्दी ईस्वी। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक बहुत ही बढ़िया पुस्तक है और रचना सुश्रुत अपने शल्य चिकित्सा सेवन, मतलब ये ऑपरेशन करते थे, जो है ऑपरेशन का काम करते थे। इस तरीके से प्यारे साथियों आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। प्यारे मित्रों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों जो दोस्त हैं आपके उन तक पहुँचाइए। मैं अपने तरफ से ऐसा प्रयास करूंगा कि कोई भी चीज़ आपकी छूटने ना पाए। बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक ले चलेंगे, EVS, CDP, हिंदी, सारी की सारी क्लास आपको YouTube चैनल पर मुफ्त मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पैसा नहीं देना है। हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए तो बिना पैसे के आप टेलीग्राम पे आइएगा, इसी GK गुरुजी अड्डा ऑफिशियल टेलीग्राम पे कमेंट करिएगा, आपको नोट्स भी दे दी जाएगी। तो प्यारे साथियों, आप लोग लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, साथ बनाए रखिएगा, अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिएगा। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।